गायों का ये झुंड किसी गौशाला में नहीं बल्कि स्कूल में घूम रहा है। उत्तर प्रदेश के बांदा ज़िले के इस स्कूल में इन जानवरों को यहाँ के ग्रामीणों ने ही बंद किया है। वे आवारा जानवरों से फसलों के नुकसान से नाराज हैं। बीते दिनों मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने 10 जनवरी तक सभी आवारा जानवरों को पशुवाड़े में पहुंचाने का आदेश दे दिया था, लेकिन उस आदेश को लेकर प्रशासन की अनदेखी के चलते जारी फसलों के नुकसान की वजह से किसानों में नाराजगी है। गांव के कुछ लोगों ने जबरदस्ती विद्यालय में जानवरों को अंदर कर दिया है और हटाने के लिए कहा जाने पर वो तैयार नहीं हो रहे, जबकि गांव में गौशाला है, गौशाला में नहीं ले जाकर कह रहे विद्यालय में ही रखेंगे। खेती मुझे जा रहे साथ 2-3 बीघा खेती है मान लोगों के है, खा जाते हैं जानवर तो क्या किया जाए। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने आदेश दिया था सभी जिलाधिकारियों को कि आप उनकी व्यवस्था करेंगे, तो उसका क्या यहाँ कोई व्यवस्था है? तो बताइए, कोई व्यवस्था नहीं है। अलीगढ़ की तहसील भगाना क्षेत्र के गांव भोजपुर में भी गौशाला बनने में हो रही देरी से नाराज दर्जनों लोगों ने जिलाधिकारी आवास के बाहर प्रदर्शन किया। ग्रामीणों ने ब्लॉक प्रशासन पर आवारा जानवरों की समस्या से निपटने में लापरवाही बरतने का आरोप लगाया। ग्रामीणों ने गौशाला बनवाने और उसमें आवारा जानवरों को रखने का इंतजाम जल्द न होने पर आंदोलन की भी चेतावनी दी है। हमारे यहाँ गौशाला की नहीं बन रही है, प्रधान नहीं बनवा रहे हैं, वीडियो भी गोली दे रहे हैं और कम से कम 300-400 गाय हैं और वो पूरी फसल को चौपट कर रही है। रेत और रात और दिन किसान परेशान है और सारी फसल चौपट हो गई। हमारी गौशाला अविलंब बनवाई जाए। गाँव में समस्या है आवारा पशुओं की, जिसमें गाय अधिकतर हैं और किसान का जो फसल है, किसान की जो फसल है इस समय वो बिल्कुल पूरी तरह से बर्बाद कर चुके हैं। प्रशासनिक आश्वासनों के बावजूद आवारा जानवरों से फसलों के नुकसान को लेकर ग्रामीणों की नाराजगी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। ऐसे में अगर सरकार ने जल्द कोई ठोस कदम नहीं उठाया तो आने वाले दिनों में किसानों की नाराजगी बढ़ने की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वराज एक्सप्रेस।